हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम टू फाशास कुकिंग। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी, जिसके लिए मैंने वेजेस अपने अकॉर्डिंग ले ली हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। साथ में मैंने मिक्स दाल ली हूँ जो ऑलरेडी वॉश्ड एंड सोक है, और साथ ही में मैंने ली हूँ राइस जो ऑलरेडी वॉश्ड एंड सोक है। और मेरे मसाले में है हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर, चॉप जिंजर गार्लिक, अनियन, धनिया जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर एंड सॉल्ट। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। सबसे पहले हमें तेल ऐड करना है। तेल में हमने जीरा, कांदा और जिंजर गार्लिक सौते करना है। जब ये अच्छे से सौते हो जाए, हमें अपनी वेजिटेबल्स की बो ऐड करनी है। साथ ही में हमने मसाला ऐड करना है, और इसको अच्छे से सौते करने के बाद हमें इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड करना है। बट हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बिकॉज हमें वेजिटेबल ड्राई चाहिए। अब ये देख सकते हो आप, मेरी वेजिटेबल हाफ कुक हो चुकी है। अब मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड की हूँ, आप देख सकते हो। साथ ही में मैंने इसको कवर करके रख दिया है। 10 मिनट्स के लिए मैं इसे कुक करूँगी, और मेरी वेजिटेबल रेडी हो गई है। अब प्रोसीजर राइस का है। राइस में मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, वाटर, हल्दी यूज़ नहीं की मैंने, वो ऑप्शनल है, मुझे वाइट चाहिए। तो ये सब डाल सब वेजिस ऐड करके हमें 3 to 4 whistle लेनी है, मींस हमारी खिचड़ी पक जाए। देख सकते हो पानी जितना यूज़ करना हम करें। उसके बाद हमारी खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है। हमने इसमें थोड़ा सा 1 tablespoon घी ऐड करना है। साथ ही में हमारी जो कुक्ड वेजिटेबल थी वो हमने इसमें ऐड करना है, और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स के बाद साथ ही में हमें थोड़ा सा घी भी ऐड करना है कि अच्छा फ्लेवर आएगा घी के प्रेजेंस में। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करके रहना है, और हमें सर्व करना है अभी। ये देखिए, मैंने इसे सर्व की हूँ मटन ग्रेवी के साथ में। ये हमारा होममेड ब्लैक पेपर पिकल है, बहुत अच्छा बना है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आइए फाशा के साथ खाने। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ।